अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अकबर हुसैन, एक्यूफोन न्यूज में आपका वेलकम है। आइए देखते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट। से ही एक फिरखा परस लीडर की नाजायज औलाद यहां हैदराबाद में गोशा महल का रुकन असेंबली बन के बैठा है। वो इसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करता है। मैं उस मजलिस के कॉरपोरेटर के उस इकदाम के साथ हूं। मैं वाजे तौर पे कहता हूं कि यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मस्जिद को ताला लगाना ये कानून के खिलाफ था। कानून हमारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर और हमारे हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक रूलिंग बनाई है। उस रूलिंग में मस्जिदों को ताला डालने की इजाजत नहीं है। मस्जिद में चार आदमी पढ़ना है नमाज, यकीनन चार आदमी से ज्यादा नहीं जाना है। उसके लिए मुसलमान भी उनके साथ है। लेकिन हैदराबाद में एक रेप केस हुआ था, जैसे रेप केस के बाद फौरी ही तौर पर लेके जाके वो चार जनों का एनकाउंटर कर दिया। ऐसे फिरखा परस बयान देने वालों को लेके जाके गोशा महल से उठा के अत्तापुर वगैरह के जंगलों में लेके जाके इनका भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान में जो हैदराबाद में जो हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को खराब करने वाले। मैं हैदराबाद के सीपी साहब को मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि हैदराबाद के सीपी साहब, जैसा साइबराबाद के सीपी साहब ने रेप केस के बाद एनकाउंटर कर दिया था, यह फिरखा परस बयान देने वालों को भी वैसे ही लेके जाके जंगलों में गोली मार के फेंक देना चाहिए। एमआईएम का कॉर्पोरेटर है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कॉर्पोरेटर पुलिस के साथ में गुंडागर्दी करता है, बदसलूकी करता है, उनको वार्निंग देता है, धमकी देता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो मुसलमानों के हमदर्द बने घूमते हैं, अपने बाप की जागीर समझते हैं, उस ओवैसी को पूछना चाहूंगा, क्या तुमने अपने कॉर्पोरेटर पे लगाम नहीं कसी है? तुमने क्या तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारे कॉर्पोरेटर नहीं है? तुम, तुम्हारा भाई, तुम्हारे एमएलए सब लोग तो घर में चुपके बैठे हैं कोरोना के डर से, लेकिन जो लोग पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, जो लोग पब्लिक की रक्षा कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर है, ऐसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कॉन्स्टेबल पर गुंडागर्दी, इतनी ज्यादती तुम लोगों की। मैं केसीआर साहब को ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को, कि कम से कम जिस कॉर्पोरेटर ने पुलिस के साथ बदसलूकी की है उस कॉर्पोरेटर को तुरंत अरेस्ट करें। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पुलिस को वो अधिकार दें कि कॉर्पोरेटर हो या कोई भी हो, अगर उनके काम में दखल अंदाजी देता है तो उसके ऊपर सीरियसली एक्शन ले। साथ ही साथ जो मस्जिद का इश्यू ले लेकर वो कॉर्पोरेटर जिद कर रहा था, तो मैं उस कॉर्पोरेटर को कहना चाहूंगा कि हमने, हमारा तिरुपति मंदिर बन किया है, शिरडी जो प्राचीन मंदिर है वो बन किया है, वैष्णो देवी मंदिर बन किया, यानी ये कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत के प्राचीन से प्राचीन मंदिरें आज बंद है। हम भी चाहते हैं कि कोरोना की वजह से कोई भी व्यक्ति की जान ना जाए और ये कोरोना पूर्ण खत्म हो। हमारी सोच ये है, तो तुम्हारी सोच में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुम भी उन जमातियों जैसे हो क्या, जो जमातियां चाहते हैं कि पूरा देश बर्बाद हो, पूरे देश में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ते जाए? क्या उन जैसी तुम्हारी सोच है क्या? मैं मुख्यमंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बाहर ना छोड़े और तुरंत ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट करके जेल में डाले। देखिए, मैं रमजान जैसे मुकद्दस महीने में उस गोशा महल के रुकन असेंबली का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैंने आज उसकी वीडियो देखी है। वो वीडियो में वो किसी पर तनखीद कर रहा है, हमारी मजलिसी कॉरपोरेटर पर एक तनखीद कर रहा है। मैं सबसे पहले उस मजलिसी कॉरपोरेटर के इकदाम की तायीद करता हूँ। यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो ज़रूरी था, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से वहाँ पर आकर मस्जिद को ताला डाल रही थी, एक तरफ तो सीपी हैदराबाद और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ये कहते हैं कि मस्जिदों को ताला नहीं डाला जाएगा, चार आदमी से बढ़के की जो है इजाजत नहीं गई है, इसको हिंदुस्तान हैदराबाद का हर मुसलमान ये कान बना हुए कानून को सराखों पर रखता है। लेकिन ये जाहिल को, ये दीवाने को कुछ पता नहीं है। ये दीवाना जब भी आता है कुछ ना कुछ बेहूदे बातें कर ही देता है। मस्जिद को ताले डालते हुए कह दिया कि हमने तिरुपति के मंदिर को जो है बंद
किया, वो दीवाने को ये भी नहीं मालूम है तिरुपति की मंदिर जो है 19 तारीख के दिन भी खुली थी, 19 अप्रैल के दिन, मैं माफी चाहता हूँ, 19 मार्च के दिन, जब लॉकडाउन 23 मार्च से हुआ, 19 मार्च के दिन तिरुपति की मंदिर खुली थी और उसके अंदर 40,000 दर्शनी इनके वहां पर दर्शन के लिए गए हैं और 18 तारीख के दिन भी वहां पर गए हैं। मरकज की अगर बात करते हैं तो मरकज 15 तारीख के दिन मरकज अपने मरकज को ताला डाल दिया था दिल्ली में, तबलीगी जमात का जो दिल्ली का जो बड़ा मरकज है निजामुद्दीन औलिया की बारगाह के बिल्कुल बाजू में, तो 15 तारीख के दिन वहां पर लॉक डाल दिया गया था। जब ये बातें करते हैं तो ये सवालात हम भी जानते हैं, ये बातें हम भी पूछना चाहते हैं। 25 अप्रैल के दिन योगी आदित्यनाथ अलाहाबाद को, अयोध्या को जाते हैं, रामलीला के एक प्रोग्राम में जाते हैं और वहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान का पूरा हिंदू मुसलमान मिलकर कोरोना के लिए लड़ रहा है, हम अपनी मस्जिदों को बंद रखे हैं, हम अपनी दरगाहों को बंद रखे हैं, हम अपने खानखाओं को बंद रखे हैं, हम हमारे घरों को अपनी मस्जिदें बना के हम इबादतें कर रहे हैं, लेकिन ये छिछोरे लोग जिस तरीके से हरकतें करते हैं ये तो पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के अंदर रामलीला के लिए एक प्रोग्राम निकाला था, एक रैली निकाली थी जिसके अंदर हजारों की तादाद में लोग, नेशनल मीडिया इस पर डिस्कस नहीं करता है, लेकिन हमारी छोटी छोटी मस्जिदों पे जहां पे 4 आदमी से थोड़ा ज्यादा या 4 आदमी जमा होते हैं तो उस पर ये फिरखा परस्त लोगों के बयाना शुरू हो जाते हैं। बलवेंद सिंह गुरु करके एक जो है सिखों का एक उनका गुरु था, वो गुरु पूरे यूरोप का दौरा करके जब वापस आता है तो एयरपोर्ट पे उसको इस्तकबाल करने के लिए 15 से ज्यादा हजार आदमी उसके इस्तकबाल के लिए वहां पे आते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता है। एक इटालियन ग्रुप 23 आदमी को लेकर इटालियन ग्रुप पूरे हिंदुस्तान के शहर बशहर का टूर करते हैं और उसके बाद जो है वो लोग वापस जाते हैं तो उसमें से 17 आदमी को कोरोना पाया जाता है और जो ड्राइवर वो 23 यूरोपियन इटालियन टूरिस्ट को लेके हिंदुस्तान के हर शहर बशहर फिरता है उस ड्राइवर को भी कोरोना पाया गया, लेकिन नेशनल मीडिया ये नहीं दिखाती है। ये पर्टिकुलरली एक मजहब को टारगेट करना, पर्टिकुलरली किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए तबलीगी जमात का नाम दिया जाता है। आप बताइए मोटा भाई स्टेडियम के अंदर गुजरात के अंदर 1,00,000 आदमी जो है वहां पर जमा होते हैं और अमेरिका से आने वाले कई सौ वो तादाद में जो है ट्रंप के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ वो मोटाबाई स्टेडियम में गुजरात के अहमदाबाद के आते हैं तो उनमें से कितने आदमी को कोरोना हो, नेशनल मीडिया इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता है। लेकिन जब बात मुसलमानों की आ जाती है तो ये तबलीगी जमात वगैरह को टारगेट करते हैं, ये लोग बताते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी है ये मुसलमानों को किसी तरीके से बदनाम करना, ये इनकी जिम्मेदारी है, नेशनल मीडिया का ये काम है, ये काम के ही इनको पैसे मिलते हैं और वो काम ही करते हैं। मैं तो कहता हूं इस नेशनल मीडिया को मैं दलाल मीडिया कहता हूं, मैं इसको गोदी मीडिया कहता हूं, उसको मैं पेड मीडिया कहता हूं। इनका काम सिर्फ इतना ही है कि मुसलमानों को किसी तरीके से बदनाम करो ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुसलमानों में मोहब्बत एकता का जो नारा है, उस नारे को खराब करने के लिए नेशनल मीडिया काम करती है और कुछ फिरखा परस्त लीडर है जो काम करते हैं। वैसे ही एक फिरखा परस्त लीडर की नाजायज औलाद यहां हैदराबाद में गोशा महल का रुकन असेंबली बन के बैठा है, वो इसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करता है। मैं उस मजलिस के कॉरपोरेटर के उस इकदाम के साथ हूं, मैं वाजे तौर पे कहता हूं कि यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मस्जिद को ताला लगाना ये कानून के खिलाफ था, कानून हमारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर और हमारे हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक रूलिंग बनाई है, उस रूलिंग में मस्जिदों को ताला डालने की इजाजत नहीं है। मस्जिद में 4 आदमी पढ़ना है नमाज, यकीनन 4 आदमी से ज्यादा नहीं जाना है, उसके लिए मुसलमान भी उनके साथ है। लेकिन जब इसको एक फिरखा परस्त रंग दिया जाता है, ये गोशा महल के रुकन असेंबली में रमजान जैसे मुकद्दस महीने में उसका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जब ये फिरखा परस्त बयानात आते हैं तो दिल जल उठता है, इसलिए कहना जरूरी महसूस होता है। वो जो कॉरपोरेटर साहब ने जो काम किया है उसके लिए यकीनन हम उनके साथ हैं, हम बराबर उनके साथ ठहरेंगे। अगर वक्त आ जाएगी हमारे इख्तलाफात अपनी जगह होंगे, हम सियासी तौर पे इख्तलाफात करते रहेंगे, लेकिन जब बात हमारे मजहब की आएंगी तो हम एक हो जाएंगे और यकीनन इनको जवाब देंगे इंशाल्लाह।
देखिए मैं तो कहता हूं, साइबराबाद में एक रेप केस हुआ था, प्रियंका रेड्डी का एक रेप केस हुआ था। जैसे रेप केस के बाद फौरी ही तौर पर लेके जाके वो चार जनों का एनकाउंटर कर दिया, ऐसे फिरखा परस बयान देने वालों को लेके जाके गोशामल से उठा के कहीं अत्तापुर वगैरह के जंगलों में लेके जाके इनका भी एनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान में जो हैदराबाद में जो हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को खराब करने वाले। मैं हैदराबाद के सीपी साहब को मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि हैदराबाद के सीपी साहब, जैसा साइबराबाद के सीपी साहब ने प्रियंका रेड्डी के रेप केस के बाद एनकाउंटर कर दिया था, ये फिरखापरस बयान देने वालों को भी वैसे ही लेके जाकर जंगलों में गोली मार के फेंक देना चाहिए। मैं यकीनन हैदराबाद के सीपी साहब की जो है मैं उनके इकदाम की तारीफ करता हूं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने हिंदू मुसलमानों के मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए। जो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी से गलत काम कर रहे थे उन लोगों को सस्पेंड करने के लिए जो उन्होंने काम किया, उनको एक को ट्रांसफर एक को सस्पेंड किया, उसके लिए हम उनकी सताइश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे और भी थोड़े वाकयात शहर हैदराबाद में हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जो है पेजेस पे चल रहे हैं, उस पर भी सीरियस तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए और इंक्वायरी होकर उसको भी सस्पेंड करना चाहिए। अगर उनको इंक्वायरी करते हैं और सस्पेंड नहीं करते हैं तो कोर्ट खुलेगा, कोर्ट खुलने के बाद बाहैसियती मैं हिंदुस्तानी ख्वाजा बिलाल मैं यकीनन इन तमाम वीडियोस को लेके मैं कोर्ट को अप्रोच होऊंगा और कोर्ट के सामने इनको मजबूर कर दूंगा सफाई देने के लिए कि आप बताइए किस तरीके से करोना के नाम पर हैदराबाद पर जुल्म किया गया। देखिए मार खाने वाला कोई नहीं है, मार खाने वाला मेरा मुसलमान भाई है, मेरा हिंदू भाई है और मेरा हिंदू हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदू भाई है। देखिए हिंदू मुसलमान से आगे ये हिंदुस्तानी भाई है। जब हिंदुस्तानी भाई के साथ नाइंसाफी होती है तो बाहैसियती हिंदुस्तानी मुसलमान मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसको लेके लीगल एक्शन उनके ऊपर लूं और मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं। और यकीनन कोर्ट से हमको बहुत उम्मीद है, कोर्ट ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है, कोर्ट ने हमेशा जालिम के खिलाफ में जजमेंट दिया है, इसलिए हम कोर्ट को जाएंगे और फैसले करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए एक सीपी साहब ने परसों एक प्रेस नोट जारी किया, उसके अंदर सीपी साहब ने यह बात वाजे तौर पे कह दिया कि लाठी की जरूरत नहीं है। परसों होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने भी अपने घर पर एक मीटिंग कॉल की जिसके अंदर सीपी हैदराबाद और जो है डीसीपी पूरे जोन के डीसीपी को बुला के उन्होंने मीटिंग ली। मीटिंग के बाद महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने भी वाजे तौर पर कह दिया कि कुछ लोगों की वजह से पूरा महकमा बदनाम हो रहा है। यकीनन पुलिस इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ दो चार गिनती के कुछ अहदेदार हैं जो अहदेदार यकीन मानेगा उनकी जहनियत में आरएसएस, अगर उनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो उनके डीएनए टेस्ट में आपको निकलेगा कि बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी आपको निकल के पाएगी। उस आइडियोलॉजी के खिलाफ में हम भी लड़ रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ में सीपी हैदराबाद भी लड़ रहे हैं और उस आइडियोलॉजी के खिलाफ में महमूद अली होम मिनिस्टर भी लड़ रहे हैं। ऐसे ऑफिसर्स जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, हमारे हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको खराब कर रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स के खिलाफ में यकीनन हम कोर्ट को जाएंगे और बार बार हुकूमत के सामने आप जैसे सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत के सामने हम इन मुद्दों को लाएंगे, बताएंगे कि देखो किस तरीके से मजलूम एक बच्चा माउस की और मेवे की बंडी लगाता है तो कैसे फिरखा परस पुलिस वाले आके उस बंडी को पलटाते हैं। हम ये पहले पुलिस वालों को सोशल मीडिया के जरिए बताएंगे, यानी सीपी हैदराबाद को हम सोशल मीडिया के जरिए बताएंगे। अगर सोशल मीडिया के जरिए देखने के बाद सीपी हैदराबाद अगर इसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे, अगर उन्हें उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं हम तो जस्टिस का शुक्र अदा करेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कोर्ट को जाके इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लेकर आए हैं एक और वेंचर जेपी प्राइम सिटी, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स सिर्फ 4,49,999 रुपए में, ग्राम पंचायत अप्रूव, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, आबादी से घिरा वेंचर, तमाम बुनियादी सहूलियतों के साथ, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, बीटी रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर कोथूर विलेज पे वाके। बुकिंग के लिए जल्द रब्त अदा करें या चले आएं न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स अपोजिट ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर, ओरम कट्टा, हैदराबाद।